कनेडियन खबरनामा दे विच वड्डी ब्रेकिंग न्यूज़, IRCC ने लेबनान विच संघर्ष तो बाद प्रभावित लोगों नूं अस्थाई उपवां की घोषणा कर दित्ती है। जिहड़े लोग 29 सितंबर 2024 जां इस तों बाद लेबनान नूं छड्ड गए, वह कनेडा पहुँचण तों बाद ओपन वर्क परमिट, स्टडी परमिट, स्टेटस एक्सटेंशन लई बिनेकार करन दे योग हो सकते हैं। कनेडा की सरकार का कहना है कि अस्थाई उपवां स्थाई निवासी कनेडियन नागरिक अते उन्हां दे नज़दीकी परिवारक मैंबरां दी सहायता प्रदान करनगे जो मौजूदा अशांति दौरान लेबनान छड्ड गए सन। यह उपवाद 31 जुलाई 2025 तक लागू रहणगे। इस विच कौन कौन योग है? इमीग्रेशन रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनेडा का कहना है कि हेठ लिखे व्यक्ति इस चीज़ का लाभ लै सकते हैं। नंबर एक ते है कनेडा विच लेबनानी नागरिक वैध अस्थाई निवासी रुतबे के नाल कनेडियन नागरिक ज अस्थाई निवासियों के गैर लेबनानी विदेशी राष्ट्रीय परिवारक मैंबर जो 29 सितंबर 2024 या फिर इस तो बाद लेबनान छड्डिया अते वैध अस्थाई निवासी रुतबे के नाल कनेडा विच रहिंदे ने। गैर लेबनानी विदेशी नागरिक जो नागरिकता ते पहली पीढ़ी की सीमा के नाल नाल उन्हें राष्ट्र विदेशी राष्ट्रीय परिवारक मैंबरों तो प्रभावित जो 29 सितंबर 2024 या इस तो बाद लेबनान छड्ड गए अते वैध अस्थाई निवासी रुतबे नाल कनेडा विच रह रहे हैं। जिहड़े लोग 29 सितंबर 2024 नूं जां इस तो बाद कनेडा की मदद नाल लेबनान छड्ड गए सन, विभाग तुरंत परिवार नूं इस तरह के परिभाषित करदा है। व्यक्ति का जीवन साथी काम ला पार्टनर एक कनेडियन नागरिक ज स्थाई निवासी ज उन्होंने जीवन साथी काम ला पार्टनर ते निर्भर बच्चा ज एक निर्भर बच्चा सारे कनेडियन नागरिक स्थाई निवासियों ते उन्होंने नज़दीकी परिवार मैंबरों को योग होने जरूरी यात्रा दस्तावेज जरूरी होने चाहिए ने। उपवाद लेबनान के नागरिकों को प्रभावित करेंगे जो वर्तमान में लेबनान वापस जाने के योग नहीं सन। योग व्यक्ति इस गल की परवाह किए बिना अर्जी दे सकते हैं कि वह ग्लोबल अफेयर्स कनेडा द्वारा प्रबंधित उड़ाना छड़े गए सन या होर तरीके। ग्लोबल अफेयर कनेडा का कहना है कि उसने अज तक 1200 कनेडियन स्थाई निवासी और उन्होंने परिवारों की लेबनान छड्डन मदद की है। IRCC का कहना है कि इसने खेत्र दीआं फाइलां ते प्रोसैसिंग समर्था का वाधा किया। कनेडियन स्थाई निवासी अते लेबनान विच उन्होंने परिवारक मैंबरों दीआं अर्जियां नूं जिन्नी जल्दी हो सके प्रोसैसिंग करन दा काम शुरू किया होया। पूर्व मध्य विच जिथे मौजूदा संघर्ष दौरान कनेडा के इमीग्रेशन विभाग ने प्रभावित लोगों के आने अते वसीबी की सहूलत लई कदम चुके ने। दसंबर 2023 विच IRCC ने घोषणा की है कि यह खेत्र विच योग इजराइली अते फलस्तीनी व्यक्तियों के परिवारक श्रेणियां स्थाई निवास PR अर्जियों को तरजीह देगा जो कि कनेडियन नागरिक या फिर स्थाई निवासियों द्वारा स्पॉन्सर किए गए सन। इस अलावा सरकार ने यह भी ऐलान किया कि वो इन व्यक्तियों को फीस मुक्त अध्ययन वर्क परमिट की सहूलत देगा। जनवरी में IRCC ने घोषणा की है कि फलस्तीन अस्थाई निवासी वीज़ा TRVS 1000 अर्जी की प्रतिक्रिया करेगा जो उस समय गाजा विच सन अते उन्होंने परिवारक मैंबर सन जो कनेडियन नागरिकता ज स्थाई निवासी सन। ये नीति के तहत जिहड़े व्यक्ति कनेडा विच उतरे उन्हां कोल पहुँचण ते सैटलमेंट सेवावां तक पहुँच होवे जिस विच अंतिम सेहत कवरेज, भाषा सिखलाई ते रुजगार सहायता शामिल। ये अंकड़ा बाद विच मई दे अंदर 5000 अर्जियों विच सोधिया गया सी। इमीग्रेशन विभाग ने 16 अक्टूबर ने यह भी ऐलान किया कि ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ IRCC ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 733 ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 334 ਲੋਕ ਕਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। कनेडियन खबरनामा के लिए हुण तक की वड्डी ब्रेकिंग न्यूज़ और खबर देखनी सुनिया पढ़निया तो बने रहो आदमी द्वारा .com।